वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे क्या है, कॉलेज है। आज हम इस कॉलेज में काम था और कॉलेज में आए हुए हैं और इसके माध्यम से हम आप एक ब्लॉग बना रहे हैं जो कि आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज हम बताएंगे पूरा रघुनाथ झा कॉलेज के बारे में। तो बने रहे इस ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हम अभी कॉलेज के ग्राउंड में हैं और दोस्तों देख रहे हैं कि पीछे क्या आपका पूरा कैंपस दिख रहा होगा। ये पूरा क्या है, रघुनाथ झा कॉलेज जो सीतामढ़ी में स्थित है, हम दिखाएंगे। और उसके बाद एक मंदिर भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे हम दिख रहा होगा सामने एक मंदिर है। इस गेट के माध्यम से हम प्रवेश करेंगे। चलिए हम प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हम कॉलेज वहाँ पे रघुनाथ झा महाविद्यालय सीतामढ़ी में है। यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा है दोस्तों। चलिए आपको हम इसका काउंटर दिखाते हैं। ये इसका सामने जो देख रहे हैं ये क्या है, ऑफिस है। ये एक ऑफिस है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पर एक ऑफिस है, जो कि सामने मेरा एक साइकिल लगा हुआ है दोस्तों, जिस साइकिल से हम ट्रैवल करते हैं। समझिए कि मेरा वो क्या है, बाइक है दोस्तों, उसी से हम जाते हैं। और आपको हम पूरा अच्छा से रिव्यू कराने वाले दोस्तों। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कॉलेज में, क्योंकि देख रहे हैं कोई आदमी नहीं है दोस्तों कॉलेज में, पूरा हम अकेले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बैठ इस ब्लॉग में। चलिए आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कार्यालय। इसमें क्या है, प्रिंसिपल सर और जो पूरा टीचर लोग इसमें बैठते हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्लास नंबर कितना है, 3 है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये पूरा पूरा ही क्लास है जो इस लाइन से जितना देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा रूम ये क्लास रूम है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे झंडा उंडा फहराता है। ये क्या है, इसका कैंपस है दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं पूरा अच्छा से। ये देख सकते हैं, और उद्घाटन श्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री भारत सरकार कर मामलों द्वारा दिनांक 17 फरवरी 1991 को संपन्न हुआ। संस्थापक सचिव कौन, राणा रणधीर सिंह चौहान ही थे। देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है दोस्तों। इस कॉलेज का सबसे खास बात है दोस्तों कि आप आराम से आइए, काम कीजिए, जो भी आपका है काम, जो भी आप आराम से लीजिए, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, बहुत शांति से दोस्तों। सीटें नहीं होगा उसमें, देख सकते हैं शौचालय है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बंद है दोस्तों। ये क्या है, शौचालय लिखा हुआ है, छात्रा छात्राओं का है ये, और ये क्या है, बंद है। देख रहे हैं आप दोस्तों पूरा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम ये रघुनाथ झा कॉलेज में हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास संख्या जो भी 1 है, यहाँ लिखा है प्रयोगशाला रसायन शास्त्र का, जो केमिस्ट्री का प्रयोगशाला यहाँ पे है। और ये क्या है, कक्षा नंबर क्या है, 10, जो जंतु विज्ञान का, वो रसायन विज्ञान का था, यानी क्या है जीव विज्ञान, जो जंतु विज्ञान, प्रयोगशाला नंबर 10 है दोस्तों। देख सकते हैं कि यह इसमें क्या है, तार लगल है, यानी क्या है वनस्पति विज्ञान का है, जो आप जूम करने के बाद आपको दिखेगा छोटा सा वे, क्योंकि यहाँ पे बंद है, हम जा नहीं सकते अंदर, तो इसीलिए हम क्या है बाहर से आपको दिखा रहे हैं। अच्छा ये सब क्या है, भौतिकी, क्या लिखा है, भौतिकी, अरे भूत वाला भौतिकी ना। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि मंदिर है, और हम मंदिर के पास चल रहे हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम चल रहे हैं मंदिर के पास में, और मंदिर के बारे में आपको हम बताते हैं। ये देख सकते हैं पूरा कॉलेज है, अच्छा से आपको रिव्यू करा दिए। चलिए हम अब मंदिर के पास चलते हैं। अब बगल में एक पोखर भी है, हम नहाएंगे नहीं दोस्तों उसमें, लेकिन आपको दिखाएंगे। हाँ ये देख सकते हैं सब नया बिल्डिंग बन, सब में क्या ताला लगल है। ये देख सकते हैं कि यहाँ बगल में क्या है, पोखर भी दोस्तों, और इसके जस्ट बगल में क्या है, यहाँ पर एक मंदिर है। चलिए हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हैं कि आए हम मंदिर के पास में आ चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मंदिर है दोस्तों, और ये मंदिर स्कूल के कैंपस में ही है दोस्तों। बगल में क्या है, पोखर है, यहाँ पे पूजा देख सकते हैं। और इस मंदिर में क्या लगा है, ताला, क्या लगा हुआ है, ताला लगा है। हम बाहर से आपको पूरा रिव्यू कराते हैं। बहुत ही साफ है दोस्तों, आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, और अवधा में आए हैं तो उनका सुखता भी ले सकते हैं। अब बगल में वो कल है, अगर प्यास लगल है तो पानियों पी सकते हैं। देख सकते हैं पूरा, और आपको हम दिखाते हैं, और उधर तो हम जा नहीं सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बगल में क्या, भगवान जी देख सकते हैं, शिवलिंग है, और ये है आई में लगल है ताला, और उधर जा नहीं सकते हैं। चलिए ग्राउंड में, इस ग्राउंड में सामने देख सकते हैं कि वो मंदिर, वो है क्या है, मंदिर है। आई मंदिर क्या लगे है तो हमको पता ना है, आई स्कूल तो है विद्यार्थी लोग का, और बगल में मंदिर क्या लगी, हमको तो लगता है यहाँ पर मंगलम शुभ मंगलम, पता नहीं है दोस्तों। बैठ इस ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आने वाला है।